बहुत ही स्वादिष्ट चिली पनीर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। चिली पनीर कैसे बनता है इसको देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी पनीर खाना पसंद है तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 शिमला मिर्च, 3 प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च। इनको हमने छोटा छोटा सा काट लिया है, बहुत छोटा नहीं करना है आपको। आप देख सकते हैं कि मीडियम साइज़ में कटिंग करनी है आपको, और एक एक प्याज को अलग भी कर लेना है। और पनीर यहाँ पर हमने लिया है 1/2 किलो, तो 1/2 किलो पनीर से हम बनाएंगे। 4 से 5 लोगों के लिए हम सब्जी बना रहे हैं, तो यहाँ पर 1/2 किलो पनीर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस हम बना लेंगे। पीस आप अपने इच्छा के अनुसार छोटे बड़े कर सकते हैं। और उसके बाद हमें एक बाउल लेना है, और बाउल में हमें 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच मैदा लेना है, और इसका हम पतला पतला घोल तैयार करेंगे। आप ये सारा इकट्ठे मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए, और थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालते जाइए, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे, एक एक दो दो चम्मच करके हम डालते जाएंगे और 4 चम्मच डाल देंगे। और उसके बाद हमारा पतला घोल बनकर तैयार है। इसमें हम कटी हुई पनीर डाल देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए हम पनीर को इसी में डिप करके रख देंगे। और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे, गैस पर कढ़ाई रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मसाला ले लिया है, चिल्ली पनीर मसाला है, आप लोग देख सकते हैं। ये पाउच हमने दुकान से मंगाया है, तो इसी से हम बनाएंगे। ये चिंग मसाला है जो कि चिल्ली पनीर के लिए आता है, तो आप लोग मंगा लीजिएगा। और इसको हम 2 पैकेट डालेंगे। 2 पैकेट डाल करके इसका घोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। 1 गिलास पानी में हम इसको घोलेंगे, और उसके बाद हम इसमें 1.5 गिलास पानी और मिला देंगे, क्योंकि ये गाढ़ा हो जाता है। तो अच्छे से ये हमारा जो मसाला है घुल जाए, इसके लिए हमें पानी यहाँ पर डाल देना है, और अच्छे से चम्मच से चलाते हुए इसका घोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और इसको भी हम साइड में रख देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, और अब हम इसमें पनीर फ्राई कर लेंगे। ये वही पनीर के टुकड़े हैं जो हमने मैदा और कॉर्न स्टार्च के घोल में डुबो कर रखे थे, तो 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ऐसे ही आपको भी फ्राई करना है, फटाफट ये फ्राई हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसको आप ब्राउन ना करें, हल्का हल्का ही इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद एक एक करके ये सारे पीसेस हम बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद हम चिली पनीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा हमारा जो मटेरियल है ये पूरा रेडी है, और अब हम चिली पनीर बनाएंगे। पनीर के सारे पीस हमने फ्राई कर लिए हैं, और तेल ज़्यादा था तो हमने कम भी कर लिया है, और थोड़ा सा तेल रोक रखा है। और इसी तेल में हमने डाल दिए हैं हरी मिर्च, और जो हमने प्याज काट के रखा था इसको हम भून लेंगे। लगभग 3 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। शिमला मिर्च भी इसी में डाल देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही भून लेंगे, ताकि ये हमारी जो शिमला मिर्च है और प्याज है ये हल्का हल्का सा पक जाए। पूरा नहीं पकाना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है हमने, और 2 मिनट के लिए इस पर ढक्कन लगा दिया है। और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे, फिर से इसको चलाएंगे। चलाने के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो प्याज है, शिमला मिर्च है, आधा आधा ये पक चुका है। और अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। ऐसे ही चला देंगे सारे टुकड़े डालकर। और उसके बाद हम जो मसाले का घोल तैयार किए हैं, वो मसाले का घोल भी हम इसी में डाल देंगे। पानी ऊपर से हमें और डालना पड़ेगा, 1 गिलास के करीब। अगर आप इसको गाढ़ा गाढ़ा बनाना चाहें तो गाढ़ा गाढ़ा भी बना सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। अभी हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी और डालेंगे, और जो हमारा मैदे वाला घोल बचा था जिसमें हमने पनीर डुबो कर रखी थी, वो वाला घोल भी हम इसी में डाल देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा थिकनेस आ जाए। गाढ़ी गाढ़ी हमारी चिली पनीर बनकर तैयार होगी दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी और ऐड कर दिया है, और इसको हम अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे। जब ये ढककर 5 से 6 मिनट पक जाएगी, तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो पानी आप लोग थोड़ा ज़रूर बढ़ा देना, क्योंकि ये पकने पर बहुत गाढ़ी हो जाती है, और फिर आपको खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए पानी आप थोड़ा अच्छे से डाल दीजिएगा, और उसके बाद ढक्कन लगा दीजिएगा। आप क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1/2 किलो पनीर हमने लिया है। आप 1/2 किलो पनीर लेना, तभी इतना पानी डालना, नहीं तो फिर आप जो
चिली पनीर है वो गड़बड़ हो जाएगी और खाने में भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए क्वांटिटी का ध्यान रखें। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है, तो हमारी चिली पनीर बनकर रेडी है दोस्तों। जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है और जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, मेहमानों को खिलाइए, आप भी खाइए। और ये चिली पनीर बनकर रेडी है बिल्कुल। हम इसको बाहर उतार लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे। अभी हम इसको दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल देख के मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ठंडा होने पर हमने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।